ऋतिक रोशन की फाइटर ने अपनी रिलीज का रास्ता बदल दिया है। जी हाँ, फिल्म की नई रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है जो अगले साल सितंबर की है। यानी शाहरुख की कमबैक फिल्म पठान को सोलो रिलीज देने के लिए ऋतिक भी पीछे हटने को तैयार हैं और उन्होंने एसआरके के लिए पूरा रास्ता बना दिया है। एक टीजर रिलीज करते हुए ऋतिक रोशन ने अनाउंस किया है कि उनकी ये फिल्म अब 28 सितंबर 2023 को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। यानी कि गांधी जयंती के वीकेंड का पूरा लुफ्त ऋतिक की ये एरियल एक्शन मूवी उठाएगी। बता दें कि पहले ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसी दिन शाहरुख ने अपनी पठान की रिलीज डेट अनाउंस कर दी। संजोग ये हुआ कि पठान और फाइटर दोनों में दीपिका हीरोइन है और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है। ऐसे में सिर्फ इन दोनों को ही अपनी फिल्मों की वजह से नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरी एंटायर कास्ट को इस क्लैश का भुगतान करना होगा। इसलिए ऋतिक ने पांव पीछे करके रिलीज डेट ही बदलने का फैसला लिया और शाहरुख के लिए बॉक्स ऑफिस तक का रास्ता क्लियर कर डाला। बात करें इस डेट अनाउंसमेंट टीजर वीडियो की, तो इसमें अनिल कपूर के नाम पर पक्की मुहर लगा दी गई है। सबसे पहले टीजर की शुरुआत में फिल्म का नाम आता है और गन फायर की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर का नाम आता है। इससे साफ होता है कि फिल्म में अनिल की भी अहम भूमिका होने वाली है। इस टीजर को शेयर करते हुए मेकर्स ने एक बार फिर से लोगों को ये याद दिलाया है कि फाइटर भारत की पहली एरियल एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। इस अनाउंसमेंट टीजर के साथ ही चारों तरफ फैंस में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दोनों ही सुपरस्टार्स के जिगरी फैंस इन्हें साथ में देखने के लिए खूब उतावले हो रखे हैं। और हो भी क्यों ना भला, एक तरफ ग्रीक गॉड कहे जाने वाले ऋतिक और दूसरी तरफ बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस में से एक दीपिका पादुकोण। दोनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर कितना धमाल मचाएगी, ये देखने के लिए हर कोई टकटकी लगाकर इंतजार कर रहा है। जहां फाइटर में ऋतिक पायलट के रोल में दिखेंगे, वहीं दीपिका पादुकोण फिल्म के कई सीन में एक्शन करती हुई नजर आएंगी। उनके रोल का खुलासा अभी नहीं हुआ है, मगर एक बात तय है कि ऋतिक रोशन की इस फिल्म फाइटर में दर्शकों को ताबड़तोड़ एक्शन सीन्स जरूर देखने को मिलने वाले हैं। इन एक्शन सीन्स का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि फिल्म के हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स के लिए हॉलीवुड के स्टंटमैन उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। और तो और, फिल्म में एक्शन सीन्स भी हॉलीवुड के ही स्टंटमैन कोरियोग्राफ करेंगे और इन सभी सीन्स के लिए दीपिका ऋतिक की कड़ी ट्रेनिंग होने वाली है। जाहिर तौर पर फाइटर देश की पहली एरियल बेस्ड मूवी है, तो इसे बनाने में सिद्धार्थ किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अच्छा खासा टाइम भी लेंगे, क्योंकि अभी फिल्म फ्लोर पर उतरी भी नहीं है। तो ऐसे में इसे जनवरी तक रिलीज करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है, क्योंकि इस फिल्म का शूटिंग का काम ही 100 दिनों तक चलेगा। फिर एडिटिंग में टाइम लगेगा और भी 10 काम फिल्म में मौजूद होते हैं जो एडिटिंग करते वक्त या फिर फ्री टाइम में मेकर्स सोचते हैं। इस वजह से फिल्म को टालना ही मेकर्स को बेस्ट ऑप्शन लगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।